भाजपा की जन विश्वास यात्रा 30 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंची। बिजनौर से कांठ होते हुए ये यात्रा मुरादाबाद में बुद्धि विहार के मैदान पर पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। जनसभा में गृह मंत्री के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ठंड कड़ाके की है, लेकिन यहाँ ठंडक तो नहीं गर्मी है। तो गर्मी है जोर से। मैं आज मुरादाबाद की धरती पर उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ता के चहेते और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूरे मंच की ओर से और आप सब की ओर से प्रदेश की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। साथ ही उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अमित शाह का स्वागत किया। आगे कहा कि मुरादाबाद के साथियों, 2017 और 2022 के बीच हम दो सीटों पर रह गए थे, लेकिन इस बार मुरादाबाद की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। और ये सपा, कांग्रेस और बसपा भी तीनों एक साथ आ जाएं तो भी इनको हार का स्वाद चखा कर मुरादाबाद से भेज देना है। साथ ही कहा कि इस बार 2017 से ज्यादा सीटें लाकर 300 से ज्यादा सीटों के साथ कमल खिलाना है। आगे कहा कि जैसे मैदान खचाखच भरा है, वैसे ईवीएम भी पूरी तरह से वोट से भर जाए। अंत में कहा कि मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम कर देता हूं कि जय श्री राम। पर हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्रीय और प्रदेश के माननीय पदाधिकारीगण, यहाँ क्षेत्र के पदाधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, समय का अभाव है, माननीय गृह मंत्री जी को यहाँ पर बोल करके आगे की सभा में जाना है। मैं आप सब लोगों से दो बातें कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगा। मेरे मुरादाबाद के साथियों, 2017 और 2022 के बीच में जो थोड़ी सी मेहनत, आप पिछली बार हम दो सीटों पर रह गए थे, लेकिन इस बार मुरादाबाद की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। खिलाएंगे खिलाएंगे, जोर से बताइए माननीय गृह मंत्री जी को, सभी सीटों पर कमल खिलाना है। और ये सपा बसपा कांग्रेस अगर तीनों एक साथ आ जाए तब भी इनको हार का स्वाद चखा करके मुरादाबाद से भेज देने का काम कर रहा है, करेंगे। आप सबको यही निवेदन करता हूं, 2017 से बड़ी विजय 2022 में, और उत्तर प्रदेश में हम लोग फिर एक बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, 300 से ज्यादा। और आप सब पूरी ताकत के साथ लगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, और आने वाले समय में यह जो जनसैलाब है, इस बात का संदेश है, जैसे मैदान खचाखच भरा है, ऐसे ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से खचाखच भरी रहेगी। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में उन्होंने जय श्री राम का नारा देकर अपनी वाणी को विराम दिया।